हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जमीक तुम्हें मैंने स्क्रीन सेक्शन में देखिपारच, आज हूँ डे 30। तो डे 30 आमर ओबीटी 40 डे क्रास क्रस टॉपिक हूँ इकोलॉजी। ओके, तो ये इकोलॉजी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को चलत डिस्कस करवा। तो पूर्व आपको जनई दूसरी, तो जदि आपण मानक आमर ओबीटी सेक्शन भल लगता है प्लीज लाइक करूँ, सेयार करूँ और सब्सक्राइब करूँ। तो चलतु स्टार्ट करवा आज डे 30 इकोलॉजी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पिलामाने आज आम डिस्कस करिबा किछि इकोलॉजी इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक। तो से पॉइंट रू मैक्सिमम क्वेश्चन आसी थाए, तुम्हें जमीक स्क्रीन में देखिपार्च। तुम फास्ट क्वेश्चन हो फास्ट पॉइंट हो द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय एंड डिस्क्राइब बाय। तो प्रथम टर्म इकोलॉजी को किए कॉइन्ड करते आगे डिस्क्राइब करते, तुम्हें जमीक स्क्रीन में देखिपार्च हेकेल, जिकि प्रथम इकोलॉजी टर्म को कॉइन्ड कर देते ताकू डिस्क्राइब मध्य करते। तापर नेक्स्ट देख, नेक्स्ट पॉइंट हूँ द टर्म इकोलॉजी वाज ऑथेंटिकली यूज्ड बाय। तो यूज्ड किए करते ऑथेंटिकली, प्रथम यूज किए करते रेटर। ओके, तो फादर ऑफ इकोलॉजी किए रेटर, मध्यम फादर ऑफ इकोलॉजी किए मन रखिए रेटर, आर ई आई टी आर। ओके रेटर। तापर नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हूँ द टर्म इथोलॉजी फॉर इकोलॉजी वाज यूज्ड बाय हेलर। ओके हेलियर, हेलियर जे कि आमर इथोलॉजी टर्म को यूज करते इकोलॉजी बदलने। तो सेमती टर्म हेक्सिकोलॉजी, तो टर्म हेक्सिकोलॉजी फॉर इकोलॉजी किए यूज करते मिभाट। तो मिभाट, जी एच मिभाट जे कि हेक्सिकोलॉजी टर्म को यूज करते फॉर इकोलॉजी। ओके, तापर नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हूँ स्टडी ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ता पूर्व मु आपनकु जणे दूची फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किए प्रोफेसर रामदेव मिश्र, जे कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किए प्रोफेसर रामदेव मिश्र। ओके, तो सेमती नेक्स्ट देख आमर प्लांट इकोलॉजी फादर किए ना, फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी हूँ वार्मिंग। तो वार्मिंग जी कि फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी। तो नेक्स्ट देख, नेक्स्ट आमर के पॉइंट रू क्वेश्चन आसे, तो जमती कि तुम्हें देखिपार्च ब्रांच ऑफ इकोलॉजी आसते। तो इकोलॉजी दुईटा ब्रांच अच्छे, देख ऑटेकोलॉजी आ गोटे सीन इकोलॉजी। ऑटेकोलॉजी क्या कहा जाए ना, ऑटेकोलॉजी ताकू स्पेसीस इकोलॉजी कहते। यदि आम स्टडी करवा आमर इंडिविजुअल बा इंडिविजुअल पॉपुलेशन विषय स्टडी करटेकोलॉजी। तो सीन इकोलॉजी क्या कहो ना, कम्युनिटी इकोलॉजी को सीन इकोलॉजी कहुए। तो यदि आम गोटे ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विषय स्टडी कले, कम्युनिटी एनवायरनमेंट विषय स्टडी कले, तो कहुए सीन इकोलॉजी। नाउ वी डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट टर्म रिगार्डिंग टू द इकोलॉजी। तो जमीती कि तुम्हें मैंने स्क्रीन में देखिपार्च, फास्ट टर्म अच्छी बायोटिक पोटेंशियल। तो बायोटिक पोटेंशियल को रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कहती, पोटेंशियल एबिलिटी कहती। ए बायोटिक पोटेंशियल प्रथम किए यूज करते चैपमैन। ओके चैपमैन जी कि प्रथम बायोटिक पोटेंशियल को यूज करते अंडर मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन स्पेसीज को आम कहू बायोटिक पोटेंशियल। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या कहते, अंडर फेवरेबल कंडीशन द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को आम बायोटिक पोटेंशियल बा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कही थाउ। सेमती बायो बायो बा बोटानोकेमिकल, बोटानोकेमिकल क्या कहते ना, बोटानोकेमिकल बोटानी मीन्स प्लांट्स। तो प्लांट्स जो मैन्युफैक्चर करते इन्यूमरेबल सिंथेटिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते कहते, सिंथेटिक प्रोडक्ट जो फॉर्म करे तो कहते बोटानोकेमिकल्स। सेमती देख, नेक्स्ट हूँ क्वेश्चन आसते कालकारियो सॉइल कौन ना, कालकारियो सॉइल हूँ जो सॉइल रे एक्सेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट थे कहुए कालकारियो सॉइल। ओके, तापर नेक्स्ट हूँ देख कैल्सीफ्यूज प्लांट कौन ना, कैल्सीफ्यूज प्लांट हूँ दस प्लांट व्हिच कैन ग्रो इन लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन सॉइल। तो जो लिटिल अमाउंट ऑफ कैल्शियम था तो सही सॉइल जी प्लांट गुड़िक ग्रो करते कहते कैल्सीफ्यूज सॉइल। आउ से पीएच होता है, पीएच हूँ 3.824 पीएच होता है। ओके, तो रिमैक्स, रिमैक्स हूँ गोटे कैल्सीफ्यूज प्लांट। ओके रिमैक्स। ओके देन नेक्स्ट देख, नेक्स्ट हूँ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या कहते ना, एसेंबली ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन को, डिफरेंट पॉपुलेशन जी गोटे जगह मिसीगले तो कहुए कम्युनिटी कहुए। इंपोर्टेंट पॉइंट देख साइक्लोमोर्फोसिस, तो साइक्लोमोर्फोसिस क्या कहते ना, चेंज इन बॉडी शेप विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर चेंजेस अनुसार बॉडी रो जी शेप रो चेंज है तो कहला साइक्लोमोर्फोसिस। देखी आमर क्लाडोसेरा देखा जाए, क्लाडोसेरा आम साइक्लो मोर्फोसिस देखा पाई था। सेमती इकोलाइन, इकोलाइन क्या कहते ना, इकोलाइन हूँ अपस्ट्रिंग ऑफ इकोटाइप को कहते इकोलाइन। तो
ऑफस्प्रिंग ऑफ इको टाइप को हमें इको लाइन बोली कही था। तो से इको टाइप कौन तो से विषय में देखा नेक्स्ट देखिपार तुम्हें स्क्रीन रे। तो स्क्रीन में देखिपार डिफरेंट जेरो फाइटिक एडेप्टेसन विषय दिखाई हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स के मैं कहते ना जो प्लांट मैंने सेलाइन कंडीशन रे सेलाइन हैबिटेट रे ग्रो करती तो से कहते हेलोफाइट्स बा हेलोफाइट्स कहते। तो हेलोफाइट्स हेलोफाइट्स गुड़िक मेनली सेमकर न्यूमाटोफोर देखा पाई आने बीबीबेरी सीड जर्मिनेसन देखे था। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ एपिफाइट्स। तो एपिफाइट्स जी कि आमर एपिफाइट्स प्लांट्स बड़े ग्रो करते एनदर प्लांट उपरे तो जो प्लांट मैंने एनदर ऑटोट्रोपिक प्लांट उपरे ग्रो करती तो कहते एपिफाइट्स। ओके तो जमती कि एपिफाइटिक ऑर्किड जातीय प्लांट्स देखिबो तो से होती एपिफाइट्स और से क्षेत्र में भेलामेंट टिश्यू देखा पाई था। ओके सेमती साइक्रोफाइट्स तो साइक्रोफाइट्स क्या कहते साइक्रोफाइट्स तो जो प्लांट मैंने कोल्ड सॉइल रे ग्रो करते मेनली हिमालय रीजन रे तो से कहते साइक्रोफाइट्स। ओके तो सेमती केस्मोफाइट्स केस्मोफाइट्स के मैं कहते जो प्लांट गुड़िक रॉक रो सर्विसेस रे ग्रो करते कहते केस्मोफाइट्स। ओके सेमती सामोफाइट्स के मैं कहते जो प्लांट मैंने सेंड सॉइल रे सेंडी सॉइल रे ग्रो करते तो कहते सामोफाइट्स। ओके तो सेमती लिथोफाइट्स जो जो प्लांट मैंने आमर रॉक रे कि सेडिमेंटरी सॉइल रे ग्रो करते तो से कहते लिथो फाइट्स। ओके तो तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़िक है इकोटोन। तो इकोटोन क्या कहते ना इकोटोन हूँ तो ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटी तो दुईटा कम्युनिटी मध्य ट्रांजिशन जोन को कहते इकोटोन मन कर ये गोटे कम्युनिटी तो कम्युनिटी वन और कम्युनिटी टू तो कम्युनिटी वन और कम्युनिटी टू मध्य ट्रांजिशन रीजन को कहा जाए इकोटोन। ओके तो कौन कहते इकोटोन। तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ इडेज इफेक्ट। इडेज इफेक्ट कौन द स्पेसीज व्हिच आर मोस्ट अकर एबंडेंटली इन द इडेज ऑफ द कम्युनिटी तो देख इकोटोन रे इडेज रीजन रे आमर इकोटोन रीजन रे तो जदि जो स्पेसीज गुड़िक हायर अमाउंट मिलती एबंडेंस मिलती तो से कंडीशन को कहते इडेज इफेक्ट। तापर देख नेक्स्ट हूँ गोसेस कंपटीशन एक्सक्लूसन प्रिंसिपल। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज कंपीटिंग टू ईच अदर फॉर द सेम सोर्स कैन नॉट को एक्जिस्ट। तो गोसेस कंपटीशन एक्सक्लूसन प्रिंसिपल कौन कहूँगी जिते बड़े दुईटा स्पेसीज गोटे जी सामान प्रकार रिसोर्स डिपेंड करुवे आने गोटे जगार रही थे तेल से दुहे बची पारे ना। ओके कहीं मध्य कंपिटन हम फुड पर तो सेमती देख नेक्स्ट हूँ गुइल्ड GUILD गुइल्ड मैंने कौन गुइल्ड हूँ तो सेम ट्रॉपिक लेवल जो ऑर्गेनिज्म मैंने बास करेंगे तो कहते गुइल्ड GUILD गुइल्ड मैंने हूँ देख काओ गट आउ रैबिट एम होती सेम ट्रॉपिक लेवल थमान कहते गुइल्ड। ओके तो तापर नेक्स्ट देख हाइबरनेशन हाइबरनेशन क्या कहते ना विंटर स्लीप कहते हाइबरनेशन मैंने आमर यही विंटर सीजन रे यही एनिमल्स गुड़िक मेनली एम्फीबियंस रेप्टाइल्स गुड़िक से मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कमई दे था आउ स्थिर अवस्था रही था तो कहते विंटर स्लीप। सेमती एस्टिवेशन एस्टिवेशन कौन ना एस्टिवेशन हूँ समर स्लीप सेटा हूँ मेनली समर सीजन रे देखा मिलता है। ओके तापर नेक्स्ट हूँ देख किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख द इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर द ब्रांच ऑफ साइंस द डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो कहते सिल्विकल्चर। तो सिल्विकल्चर क्या कहते ना द ब्रांच ऑफ साइंस जी की डील करे डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट तो कहते सिल्विकल्चर। ओके तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इन इंडिया कर्निफरस फॉरेस्ट मेनली फाउंड इन हिमालय रीजन रे आम कर्निफरस फॉरेस्ट पाई मेनली कर्निफरस फॉरेस्ट गुड़िक कोल्डर रीजन रे देखा मिलता है तो हिमालय रीजन रे आम कर्निफरस फॉरेस्ट देखा पाइबा। सेमती नेक्स्ट देख नेक्स्ट हूँ जेरोफाइट्स हैव लॉन्ग रूट तो जेरोफाइट मान क्षेत्र में लॉन्ग रूट थाए कहीं ना टू ड्रो आउट वाटर फ्रॉम द डीप वाटर बेड तो डीप रीजन रे थिबा वाटर को ड्रो आउट करिया पाई मेनली जेरोफाइट्स मान क्षेत्र में लॉन्ग रूट देखा पाई।
पर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने तुम्हें देखी पाच सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय कंडक्टिविटी मीटर। तो सॉइल रो सैलिनिटी मेनली कंडक्टिविटी मीटर द्वारा मेजर कराई थे। तो सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ द फैक्टर गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थ सरफेस तो ताकू कहते टोपोग्राफिक। तो टोपोग्राफिक फैक्टर जी की अर्थ रो सरफेस रो विषय सरफेस विषय प्रोवाइड करते नॉलेज। तो सेमती नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ व्हिच वन ऑफ द मेन कॉजिटिव फैक्टर ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मेनली ड्यू टू ओवर ग्राजिंग होता है। ओके तो तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट हूँ रूट ऑफ मेरीगोल्ड आर नोन टू प्रोड्यूस सर्टन सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ नेमाटोइड। तो सही इंटरेक्शन को कौन कहते एंटीबायोसिस। तो एंटीबायोसिस मेनली गोटे जदि बायोलॉजिकल पार्ट किसी सब्सटेंट सिक्रेट कला आउ सीए मेनली पाथोजेन मान को मारी पाला तो ताको कहा जाए एंटीबायोसिस। ओके तो मेनली मेरीगोल्ड प्लांट मानकर रूट रे गोटे सब्सटेंस सिक्रेट हुए जी कि नेमाटोइड मान को हार्मफुल माने नेमाटोइड मान को पाई हार्मफुल होता है और नेमाटोइड मान को मारी देता है। तो सही इंटरेक्शन को कहती एंटीबायोसिस। ओके तो तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची प्रिक्ली। ओके प्रिक्ली पियर प्रिक्ली पियर रो साइंटिफिक नेम होची पियर रो साइंटिफिक नेम होची आर्जिमोन मेक्सिकाना इज एन इकोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ प्रिक्ली पियर मेनली आमर रिसेंटली फ्लोडेड सॉइल रो गोटे एग्जांपल मैंने जे रीजन रे रिसेंटली फ्लोडेड हेतो सेई रीजन रे आमे प्रिक्ली पियर देखियो को पाइथौ। ओके तापर नेक्स्ट देखो नेक्स्ट होची नीच ए नीच ऑफ एन पॉपुलेशन इज द सेट ऑफ कंडीशन और रिसोर्सेस इड यूज। तो नीच कौन नीच हूँ गोटे सेट ऑफ कंडीशन जोटे गोटे ऑर्गेनिज्म बास करे बा फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो कहते नीच। ओके तापर नेक्स्ट हूँ देख एफेमेरल्स आर तो एफेमेरल्स के मानक कह तो एफेमेरल्स आर ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स को आम एफेमेरल्स भी कही था ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट्स आर नॉन एज एफेमेरल्स। ओके तापर नेक्स्ट हूँ देख नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन कौच टू टॉलरेट वाटर स्ट्रेस इन डेजर्ट डेजर्ट प्लांट डेवलप स्टेम व्हिच आर मॉडिफाइड इनटू लीप लाइक स्ट्रक्चर मेनली अपुंसियार देखिपार्च स्टेमटा लीप लाइक स्ट्रक्चर में परिणत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन देखी पार्छ नेक्स्ट क्वेश्चन कौच म्यूचुआलिज्म इज एन इंटरेक्शन व्हिच इज फेवरेबल टू बोथ। ओके तो म्यूचुअलिज्म इज एन इंटरेक्शन व्हिच इज फेवरेबल टू बोथ एंड बोथ आर ऑब्लिगेटरी होता ऑब्लिगेटरी होता मैंने दुहे दुजन बिना बंची पारे ना। तो म्यूचुअलिज्म द इंटरेक्शन जेटा कि बोथ आर बेनिफिटेड। ओके तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देख नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ स्पेसीस व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो स्पेसीस गुड़िक मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता बट भेरी इन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जे मानकर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रे भेरी देखा जाए तो से मान कोंती सिब्लिंग स्पेसीस। तो सिब्लिंग स्पेसीस के मान कोंती जेउ स्पेसीस माने मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हेतांदी बट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तांकर भेरी करे तो से मान कोंती सिब्लिंग स्पेसीस। ओके तापर नेक्स्ट देख नेक्स्ट होची साइलेंट वैली ऑफ केरल। तो साइलेंट वैली केडी होची ना केरल रे होची इज एसेड बिकॉज इट हैज रेयर स्पेसीस। तो साइलेंट वैली ऑफ केरल रे मेनली रेयर स्पेसीस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देखिया को मिलतिवारु ता कोंती एसेट। तो साइलेंट वैली ऑफ केरल इज नॉन एज एसेट। ओके अबाउट सम इंटरेक्शन तो जमीक तुम मैंने स्क्रीन में देखी पार्छ फास्ट इंटरेक्शन होची न्यूट्रलिज्म। तो न्यूट्रलिज्म माने कौन तो न्यूट्रलिज्म कंडीशन रे बोथ स्पेसीस ए और स्पेसीस बी जदि कौनसी प्रकार रेस्पन्स देखेबेनी मीन से कहारी कौनसी बेनिफिट हेबनी कि लॉस भी हेबनी तो ताकू कहा जीवो न्यूट्रलिज्म। ओके न्यूट्रल रहिबे सेमनकर कौनसी रिस्पोंस मिलिबनी सेमती म्यूचुअलिज्म रे कौन हुए ना म्यूचुअलिज्म रे जदि बोथ द स्पेसीस बेनिफिटेड हेबे तो सेति पई थे लिखा छि प्लस प्लस। तो म्यूचुअलिज्म रे बोथ स्पेसीस ए आउ बी बेनिफिट हेतंती तो सेति पई लिखा छि प्लस प्लस। सेमती कमेंसलिज्म रे कौन कमेंसलिज्म रे स्पेसीस ए बेनिफिटेड हे मैंने जड़े बेनिफिटेड हे आउ जनकर किसी क्षति भी हेनी तो ताकू कह कमेंसलिज्म प्लस आउ जीरो क्लस आउ जीरो थिले तो सेटा हूँ कमेंसलिज्म रा एग्जांपल। सेमती कंपिटिशन तो कंपिटिशन दुई जन क्षति होता है तो स्पेसीस ए रे भी क्षति हे स्पेसीस बी रे भी क्षति हे से माइनस माइनस थी जानव कंपिटिशन बोली।
ସେମିତି ଏମେନସେଲିଜିମରେ ଦେଖ, ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କିଛି କିଛି ହେବନି, ମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବନି କି କ୍ଷତି ହେବନି। ତ ଏମେନସେଲିଜିମର ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଆଉ ଜିରୋ ଥିଲେ ତୁମେ ଲେଖିବ ଏମେନସେଲିଜିମ। ସେମିତି ଆମର ପ୍ରିଡେଟେସନ, ତ ପ୍ରିଡେଟେସନରେ ଜଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବ, ତ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରିଡେଟେସନ। ତ ତାର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ତୁମେ ଏଇଟା ପ୍ରିଡେଟେସନ ଲେଖିବ। ସେମିତି ପାରାସିଟିଜିମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଜଣଙ୍କର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତିକି ଉକୁଣି ଗୋଟେ ପାରାସାଇଟ୍, ଓକେ, ତ ପାରାସିଟିଜିମର ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍। ସେମିତି ପାରାସାଇଟୋଡିଜିମ ହେଉଛି ତାର ମଧ୍ୟ ସିମ୍ବଲ୍ ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଇଣ୍ଟରେକ୍ସନ୍ ଆମର ପାରାସିଟିଜିମ ବା ଆମର ପ୍ରିଡେଟେସନ ଏହିସବୁ ଇଣ୍ଟରେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ତ ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରିବୁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେକ୍ସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।